वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज किरण इस वीडियो में हम लोग बी आई टी सिन्धरी का वन ऑफ द हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है बी आई टी सिन्धरी में एक तो तुम लोग को पता ही है कि जी में रैंक के हिसाब से बी सिंदरी में सिलेक्शन होता है बट जो मेन अदर क्राइटेरिया है वो है रेसिडेंशियल क्राइटेरिया कि अगर तुम झारखंड के हो तभी तुम अप्लाई कर सकते हो झारखंड के बाहर के किसी स्टेट से हो तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तुम लोग को पता ही होगा कि बी सिंदरी का जो काउंसलिंग होता है जेसी के थ्रू होता है अगर तुम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखना चाहो तो ये देख सकते हो पे क्लियरली लिखा हुआ है एडमिशन होता है बीटेक प्रोग्राम के लिए वो जे बोर्ड करवाता है और अगर तुम लोग जेसीई सी बोर्ड का होम पेज जाओ तो होम पेज कुछ ऐसा दिखता है अभी तक बीटेक कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जो भी अवेलेबल है उसको हम देख लेते हैं बीएड के लिए ऑलरेडी आ चुका है फिर पॉलिटेक्निक फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन ये लेटरल एंट्री के लिए है थर्ड सेमेस्टर में एंट्री करने के लिए एंड डिप्लोमा वालों का भी ये है तो हम लोग किसी भी एक क्राइटेरिया को फॉलो अप कर लेते हैं रेसिडेंशियल वाला जैसे अगर तुम लोग ये एक थर्ड वाला ले लो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है एटी सिंदरी का लेटरल एंट्री है तो इसको अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा एंड इसका अगर तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे पूरा क्वालिफिकेशन मत देखना लेकिन जो मैं मेन चीज बताना चाह रही हूँ तो अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पी डी एफ ओपन होगा तो मेनली तुम लोग को ये देखना है एक तो जी मेन रैंक तो तुम्हारे पास होगा ही लेकिन जो आवश्यक अहता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास या तुम्हारा क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं तथा झारखंड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी किस श्रेणी में आते हैं लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलता है झारखंड सरकार ने ये वाला नोटिस निकाला हुआ है अगर हम लोग ये वाला नोटिस देखें देखे क में क इसी में इंक्लूडेड है ये रहा क यहाँ पे तुम देख सकते हो सारा डिटेल्स दिया हुआ है किसको किसको लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिल सकता है तो यहाँ पे वन ऑफ तो द अगर क्राइटेरिया तुम फुलफिल कर सकते हो तुम्हें लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिल सकती है इस जो भी क्राइटेरिया तुम फुलफिल कर सकते हो तो यहाँ देखो अगर तुम्हारा खतियान है तुम्हारे पास, तो पास ऑब्वियसली तुम्हें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगी एंड पे वाला में है अगर तुम थर्टी ईयर्स से तुम या तुम्हारे पेरेंट्स थर्टी ईयर्स से ज्यादा से अगर झारखंड में है तो वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल करके भी तुम अपना लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले सकते हो यहाँ पे परमानेंट नहीं मिलेगा तुम्हें लोकल मिलेगा थर्ड में है झारखंड राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई भी संस्थानों निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी या पत्नी पति संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो या फिर ये तुम फोर्थ वाला देख सकते हो भारत सरकार का पदाधिकारी कर्मचारी जो जा झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनके पति पत्नी की संस्थान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रति ज्ञान करता हो फिफ्थ वाला पॉइंट भी देख सकते हो अगर तुम झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी पति संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखते हो तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो लास्ट वाला है तुम ये वाला भी देख सकते हो तुम्हारा बर्थ झारखंड में हुआ है एंड ट्वेल्थ का जो एजुकेशन है झारखंड से ही लिया है तो भी तुम्हें लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिल सकता है तो ये छे पॉइंट है जिसके थ्रू तुम्हें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर तुम इन छो में से किसी एक को फुलफिल करते हो तुम बी आई में अप्लाई कर सकते हो वीडियो के लिए बस इतना ही था मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में